हेलो स्टूडेंट्स दिस इज प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल लिव टू लर्न सो टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर 15 दैट इज सम नेचुरल फिनोमिना बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजिली बाय फ्रिक्शन यहाँ कुछ आइटम्स के नाम दिए गए हैं आपको बताना है कि इनमें से हम किस को घृषण से यानी कि घिसकर चार्ज नहीं कर सकते सो आंसर इज अ कॉपर रोड क्योंकि जो कॉपर रोड है वो कंडक्टर है और अगर हम उसको घिसकर चार्ज करने की कोशिश करेंगे तो उसमें चार्ज स्टेटिक नहीं होता वो फ्लो कर जाता है इसलिए वो चार्ज नहीं हो पाती नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन अ ग्लास रोड इज रबड विदीस ऑफ सिल्क क्लॉथ द रोड जब हम एक ग्लास रोड को एक सिल्क के क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो उन दोनों में कौन से चार्ज आते हैं सो आंसर इज बी दैट जो ग्लास रोड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो क्लॉथ है वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन लॉ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टी अगेंस्ट ट्रू एंड एफ अगेंस्ट फोल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट यहां कुछ स्टेटमेंट दी गई है आपको बताना है कि उनमें से कौन सी ट्रू है और कौन सी फोल्स है ए लाइक चार्जेस अट्रेक्ट ईच अदर सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स क्योंकि जो लाइक like चार्जेस है वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ऑलवेज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर बी अ चार्जड ग्लास रोड अट्रैक्ट अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रो सो इट इज ट्रू क्योंकि दोनों ही बॉडीज में अपोजिट चार्ज होगा और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं सी लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग सो इट इज फॉल्स क्योंकि जो लाइटनिंग कंडक्टर होते हैं वो कंस्ट्रक्शन के टाइम पर बिल्डिंग्स पर इसीलिए लगाए जाते हैं कि जब भी लाइटनिंग हो वो लाइटनिंग को पास करें और उसे अर्थ में छोड़ देते हैं सो इट इज फॉल्स क्योंकि लाइटनिंग कंडक्टर किसी भी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करते हैं डी अर्थक्वेक कैन बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस सो इट इज फॉल्स अर्थक्वेक कब आ रहा है इसको हम इतनी आसानी से कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ अकलिंग साउंड इज हर्ड वाइल टेकिंग ऑफ अ स्वेटर ड्यूरिंग विंटर्स एक्सप्लेन कभी कभार जब हम सर्दियों में स्वेटर को निकालते हैं तो हमें एक क्रैकलिंग साउंड सुनाई देती है तो वो किस लिए होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है सो so, जब हम सर्दियों में स्वेटर निकालते हैं अपनी बॉडी से तो जो वुलन स्वेटर है वो हमारी बॉडी के कॉन्टेक्ट में आता है और दोनों ही बॉडीज के बीच में जब फ्रिक्शन की वजह से कोई चार्ज प्रोड्यूस होता है और वही चार्ज हमारी बॉडी से क्रैकलिंग साउंड की फॉर्म में डिस्चार्ज होता है सो so, इसलिए जब भी स्वेटर को निकालते हैं हम सर्दियों में तो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन एक क्रैकिंग साउंड सुनाई देती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वाई अ चार्ज बॉडी लूजेज इट्स चार्ज इफ वी टच इट विद अवर हैंड आपको बताना है कि जब किसी चार्ज बॉडी को हम अपने हाथों से छूते हैं तो वो डिस्चार्ज क्यों हो जाती है या उसका जो चार्ज है वो खत्म क्यों हो जाता है तो आंसर इज़ क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती है और जब भी हम किसी चार्ज बॉडी को अपने हाथों से टच करते हैं या छूते हैं तो वो चार्ज हमारी बॉडी के थ्रू अर्थ में कंडक्ट हो जाता है यानी कि वो चार्ज हमारी बॉडी उसको अर्थ में कंडक्ट कर देती है डिस्चार्ज कर देती है और इसी वजह से वो जो बॉडी होती है वो डिस्चार्ज हो जाती है स्केल का नाम बताना है जिस पर हम की तीव्रता को मापते हैं। earthquake measures on the scale, और उसी स्केल पर अगर कोई अर्थक्वेक थ्री डिग्री दिखा रहा है तो वुड इट बी रिकॉर्डेड सिस्मोग्राफ तो क्या उसे हम सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं इज इट लाइक और क्या वो अर्थक्वेक बहुत ज्यादा डैमेज करेगा सो द डिस्ट्रक्टिव जो एनर्जी होती है किसी भी अर्थक्वेक की वो किस जिस स्केल पर मापी जाती है उसको हम कहते हैं रिक्टर स्केल और बिल्कुल जो रिक्टर स्केल है वो थ्री डिग्री को भी मेजर करेगा क्योंकि रिक्टर स्केल पर एक से दस तक की रीडिंग को मेजर किया जा सकता है और अगर कोई अर्थक्वेक थ्री डिग्री का है तो वो इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होता क्योंकि वो अर्थक्वेक जिसकी रेंज फाइव या अब फाइव होती है उसको ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव माना जाता है कंपेयर टू द थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन इज सजेस्ट थ्री मेजर्स टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग आप लाइटनिंग से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से तीन मेजर्स यूज करोगे वो आपको बतानी है सो so, लाइटनिंग के टाइम पे आप हमेशा आपको किसी भी क्लोज प्लेस में ही रहना चाहिए और अगर आप किसी कार में हैं तो आपको तब तक बाहर नहीं आना चाहिए जब तक लाइटनिंग खत्म ना हो और कार में बैठते टाइम आपको उस कार की विंडो भी क्लोज रखनी चाहिए सेकंड कभी भी इलेक्ट्रिकल वायर्स टेलीफोन केबल्स या मेटल के जो पाइप्स वगैरह होते हैं ऐसी वस्तुओं को या ऐसे ऑब्जेक्ट्स को टच नहीं करना चाहिए थर्ड कभी भी लाइटनिंग के टाइम पर आपको नहाना नहीं चाहिए रनिंग वॉटर में क्योंकि उससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है तो इस तरह से इन डिफरेंट वेज को यूज करके आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द लाइटनिंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज Explain why a चार्ज balloon is रिपेल्ड by another चार्ज balloon, whereas uncharged अनचार्ज is attracted अट्रैक्टेड बाय charged चार्ज बैलून तो आपको बताना है कि एक चार्ज बैलून दूसरे चार्ज बैलून को रिपेल क्यों करता है और एक अनचार्ज बैलून एक चार्ज बैलून को अट्रैक्ट क्यों करता है क्योंकि जो चार्ज बैलून है वो दूसरे चार्ज बैलून को रिपेल्ड इसलिए करता है क्योंकि दोनों में सेम चार्जेस होता है लेकिन जब एक बैलून अनचार्ज है और दूसरा बैलून चार्ज है तो दोनों ही बैलून अपोजिट चार्ज कैरी करते हैं और इसलिए वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर अपोजिट जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब विद हेल्प ऑफ अ डाइग्राम एंड इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू डिटेक्ट आ चार्ज बॉडी आपको डाइग्राम की हेल्प से उस इंस्ट्रूमेंट को बताना है जो किसी भी चार्ज बॉडी को पता लगाने के लिए यूज किया जाता है सो इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जो कि किसी भी चार्ज बॉडी का पता लगाने के लिए यूज की जाती है और ये हमेशा इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इसमें एक मेटल रोड होती है जिसके एक एंड पर दो एल्युमिनियम की फॉइल लगी होती हैं जो कि एक पत्ती जितनी होती हैं और ऊपर एक मेटल की डिस्क होती है जो सबसे ऊपर वाले एंड पर लगी होती है और जो लीव्स हैं एल्यूमिनियम फॉइल की जो लीव्स हैं उनको हम एक जार यानी कि कोलिंकल फ्लास्क में भी रख सकते हैं या कोई भी आपके पास जार हो तो उसमें भी आप उस लीफ को अंदर तक डाल सकते हो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो एक जार के अंदर हमने एक स्ट्रो ली है जिसके एक एंड पे दो एल्यूमिनियम फॉइल की लीव्स ली हैं और ऊपर जो एक डिस्क है दैट इज द कॉपर वायर क्योंकि वो कंडक्टर है और अगर हम ऊपर किसी भी चार्ज्ड बॉडी को टच करेंगे तो वो कॉपर वायर की हेल्प से नीचे तक जाएगी और बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फोल हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कोई बॉडी चार्ज है या उसके पास कोई चार्ज नहीं है मीन्स वो अनचार्ज है जैसे यहां पर आप देख रहे हो कि जब भी हम किसी चार्ज बॉडी से उस मेटल डिस्क या कॉपर वायर को टच करते हैं तो जो एल्यूमिनियम फॉइल की जो मेटल लीव्स हैं वो डायवर्ज होती हैं मतलब वो एक दूसरे से दूर हो जाती हैं क्योंकि उन दोनों में सेम चार्ज जाएगा और जब सेम चार्ज जाएगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी और जितनी दूर वो एक दूसरे से जाती हैं वो एक्सटेंट बताता है कि कोई भी बॉडी कितनी चार्ज है तो इस तरह से हम एक इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से किसी भी बॉडी का पता लगा सकते हैं कि वह बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है और अगर वो चार्ज है तो किस एक्सटेंट तक या कितना चार्ज वो कैरी कर रही है और इसका पता हम इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से ही लगा पाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट थ्री स्टेट्स इन इंडिया वेयर अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू स्ट्राइक आपको तीन ऐसे स्टेट लिखनी है जहां पर अर्थक्वेक ज्यादा आने की संभावना होती है सो आंसर इज कश्मीर राजस्थान एंड गुजरात नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज यू आर आउटसाइड योर होम एंड अर्थकेक स्ट्राइक्स वट प्रकॉशंस वूड यू टेक टू प्रोटेक्ट यूअर सेल्थ मान लो कि आप अपने घर से बाहर हैं और कभी भूकंप आ जाता है तो उस कंडीशन में आप कौन सी सावधानियाँ बरतेंगे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए तो इसमें आप जिस तरह की सावधानियाँ बरतेंगे दैट इज अगर आप घर के बाहर हैं तो आप किसी ऐसे ओपन एरिया की तलाश करेंगे जहाँ आप सेफली रह सकते हो और ऐसा एरिया किसी बिल्डिंग लंबे पेड़ या फिर जो इलेक्ट्रिक वायर या पोल्स हैं उनसे दूर होना चाहिए यानी कि ऐसे एरिए के पास ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जो आप पर गिर सकती हैं सेकंड अगर आप कार में हैं तो कार को किसी ऐसे ओपन एरिया में ड्राइव करके लेके जाएंगे और जब तक अर्थ चला ना जाए आप कार के अंदर ही रहेंगे उसके बाहर नहीं आएंगे तो इस तरह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द अर्थक्वेक नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेदर डिपार्टमेंट हैज प्रेडिक्टेड दैट अ थंडर स्ट्रोम इज लाइकली टू ओकेयर ऑन अ सर्टेन डे सपोज यू हैव टू गो आउट ऑन दैट डे वुड यू कैरी एन अम्ब्रेला एक्सप्लेन तो जो वेदर डिपार्टमेंट है उसने यह संभावना जताई है कि किसी दिन थंडरस्टॉर्म आने की संभावना है और अगर आप उसी दिन बाहर जा रहे हो घर से तो क्या आप अपने साथ किसी भी अम्ब्रेला या छाता को कैरी करोगे सो आंसर इज नो क्योंकि जो थंडरस्टॉर्म होता है उसके साथ लाइटनिंग भी होती है और हो सकता है कि वो लाइटनिंग आपकी जो अम्ब्रेला है उसमें जो मेटल रोड लगी रहती है ऊपर जो लोहे की छड़ी होती है उसके थ्रू क्लाउड में से उस मेटल रोड में ट्रेवल कर जाए और उसकी वजह से उस पर्सन को जो उस अम्ब्रेला को कैरी कर रहा है उसको शौक भी लग सकता है सो so, अगर ऐसे मौसम में अम्ब्रेला कैरी की जाती है तो वो अम्ब्रेला कैरी करने वाले पर्सन के लिए डेंजरस साबित हो सकता है Okay student, hope you understood the solution of this chapter. So please like, share and comment on the video. Subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.